अगर आपके आंतों में गंदगी बहुत सालों से जमी पड़ी है, कब्ज की समस्या या कॉन्स्टिपेशन बहुत दिन से है, तो 3 दिन का एक उपाय जानते हैं। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा इसबगोल का। इसबगोल भूसी ले आइए, आपको बाजार में मिल जाएगा। 1 चम्मच इसबगोल को आपको 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लेना है। 3 दिन तक लगातार 1 चम्मच सेवन करें, 3 दिन में आपको फर्क महसूस होगा, पेट खुलकर साफ होगा, कब्ज की समस्या में आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और आपको कब्ज की समस्या काफी सालों से हैं तो लगातार 15 दिन तक इसबगोल भूसी का इसी तरह से सेवन करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसबगोल का सेवन कर रहे हो तो पानी भरपूर मात्रा में पिएं। जितना आप रेगुलर पीते हैं उससे ज्यादा पीना होगा, क्योंकि इसबगोल में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए आपको पानी की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप आंतों की सफाई कर सकते हैं, कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं, अपने पूरे शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। इस रेमेडी के साथ साथ कुछ खाने वाली चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको रेगुलर डाइट में शामिल करते रहना है। तो सबसे पहली चीज है टमाटर। आप कच्चा टमाटर खाना शुरू कर दें, क्योंकि टमाटर गुणों का खजाना होता है। टमाटर के अंदर विटामिन बी और बहुत तरह के विटामिन पाए जाते हैं। खाना जो अंदर सड़ने लग जाता है, उस खाने को सड़ने से बचाने के लिए टमाटर बहुत काम की चीज है। टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और सबसे बड़ी खासियत होती है कि यह पेट में मौजूद कीड़ों को खत्म कर देता है। खाने को सड़ने से बचाने का काम टमाटर करता है, लेकिन इसके लिए आपको कच्चा टमाटर खाना होगा सलाद के रूप में। इसके अलावा टमाटर के अंदर लाइकोपीन बीटा कैरोटीन दोनों ही तत्व पाए जाते हैं, जो आपके आंतों के साथ साथ आपकी आंखों को भी हेल्दी रखते हैं। टमाटर के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, ज्वाइंट पेन से आराम दिलाते हैं और बालों की सेहत को भी अच्छा रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अगर टमाटर कच्चा खाते हैं तो इससे आपको ओवरऑल पूरे हेल्थ के साथ साथ आपकी ब्यूटी में भी निखार आता है, चेहरे की चमक बढ़ती है। तो टमाटर कच्चा कैसे खाना है? टमाटर जब भी खाएं तो टमाटर के ऊपर काली मिर्च डालकर खाएं। काली मिर्च और टमाटर दोनों एक साथ खाएंगे तो इसके फायदे आपको दुगने मिलेंगे, उसके पूरे पौष्टिक तत्व आपके शरीर को लगेंगे। पथरी के मरीज टमाटर के बीज निकालकर इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी चीज है फूल गोभी। फूल गोभी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पोटेशियम और विटामिन बी होता है, तो पोटेशियम आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, दिल बढ़िया तरीके से धड़कता रहता है, थकान महसूस नहीं होती। साथ ही गोभी में अच्छी मात्रा में फाइबर होने की वजह से आंतों के अंदर जो मल जम गया था, सड़ने लग गया था, उसको ये बाहर निकालना शुरू कर देता है। हमारा पाचन क्रिया मजबूत होना शुरू हो जाता है, हर रोज मल खुलकर आना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के अंदर विटामिन B6 और कई तरह के विटामिन भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर जिंक, सेलेनियम पाया जाता है। ये एक तरह का मल्टी विटामिन है। इसका रंग हरा होने की वजह से इसके अंदर विटामिन बी तो होता ही है, पर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शिमला मिर्च के अंदर जो जिंक पाया जाता है, आपके दिमाग की नसों को दुरुस्त करता है। अगर आपके दिमाग की नसें हेल्दी रहेंगी तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, आप पूरे दिन एक्टिव फील करेंगे। इसके अलावा इसमें मौजूद सेलेनियम पुरुषों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्टैमिना बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही शिमला मिर्च के अंदर मौजूद फाइबर आपके पेट में जमी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। शिमला मिर्च भी आपको कैसे खाना है? कच्चा ही खाना है। अगर इसके पूरे फायदे चाहते हैं तो कच्चा खाएं। तीसरी चीज है लौकी। लौकी के अंदर विटामिन B5 और B6 दो विटामिन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, साथ ही इसके अंदर अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। तो जिन लोगों को दिल की बीमारियां रहती हैं, पेट से संबंधित कोई बीमारी रहती है, पेट में गैस, गर्मी, एसिडिटी की समस्या रहती है या फिर नसों में ब्लॉकेज की समस्या रहती है, तो उन सभी के लिए लौकी बहुत ही अच्छी है। लौकी उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिनके शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर थायराइड बढ़ा हुआ है, उन्हें लौकी खानी चाहिए या फिर लौकी का जूस पीना चाहिए। ये नसों में ब्लॉकेज को नहीं होने देती, नसों को खोलती है, वात पित्त से रिलेटेड रोगों को शांत कर देती है। तो टमाटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च और लौकी, इन 4 चीजों को डाइट में रेगुलर शामिल करते रहना है। वो तरीका जानते हैं जिससे आप इन 4 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पूरे फायदे उठा सकते हैं। तो आपको लौकी, टमाटर, शिमला मिर्च और फूलगोभी, इन सभी चीजों को बराबर मात्रा में लेना है, जैसे कि 50-50 ग्राम 4 चीजों को आपने ले लेना है। अब एक पैन लेना है, पैन के अंदर आपको डालना है 2.5 से 3 गिलास पानी और गैस पर चढ़ा देना है। पानी जब गर्म हो जाए तो इन सभी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको ढक देना है, मीडियम आंच पर रखना है और आराम से पकने देना है। तब तक पकने देना है जब तक आपका बढ़िया सा सूप तैयार हो जाए। इसका सूप बनाकर पीने से आपके शरीर में इसके पूरे फायदे मिलेंगे। इनके अंदर जितने औषधीय गुण हैं वो सारे के सारे आपके शरीर को मिलेंगे, जिससे आपका शरीर पूरी तरह से साफ हो जाएगा, आंतें साफ हो जाएंगी, या फिर आपको शुगर है, हाई बीपी की समस्या है तो उसमें भी ये फायदा करेगा। इसे उबाल लें अच्छे से 8 से 10 मिनट तक। फिर आपको इसमें डालना है 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी दालचीनी और स्वादानुसार नमक। इसे तब तक पकाएं जब तक लौकी अच्छे
अच्छे से गल ना जाए, खाने के बाद इन्हें बाउल में डाल लें और सुबह के समय इसका सेवन करें। हफ्ते में 3 दिन करना है, बस एक दिन छोड़कर एक दिन करें और 2 हफ्ते तक करें, यानी 6 बार आपको इसे लेना है। आप चाहें तो जिंदगी भर इसका सेवन कर सकते हैं। आप शुरुआत में 2 हफ्ते तक हफ्ते में 3 दिन लें, उसके बाद हफ्ते में 1 बार इस सूप को बनाकर जरूर पिए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी ये सूप बनाकर दें। स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके शरीर में कोई बीमारी भी ना हो तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। थैंक यू।